हे गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MNA2Z में। और दोस्तों, आज है उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार घी संक्रांत। और घी संक्रांत तक आप सभी लोगों को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जो घी संक्रांत क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे क्या पर्पज है, हर कोई लोग आजकल के और जमाने के चल रहे ना, थोड़ा बहुत इस टाइप का जमान चल रहा है कि स्टेटस से बुला जाने कि भैया आज घी संक्रांत है और घी संक्रांत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर वास्तविकताओं में घी संक्रांत किले मनाई जाए यह पिछड़ के कारण छी, तो यह लोगों आगे लोगों को पता नहीं हो। तो चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट कर और आप लोगों को दिखा बतानूँ कि घी संक्रांत किले मनाई जाए। तो घी संक्रांत छू योले एक प्रकार हरियाली का त्यौहार छू, क्योंकि उत्तराखंड में हर महीना एक एक त्यौहार आते रहनी। तो उत्तराखंड में त्यौहार तो बहुत है नहीं, और के नाम का नहीं, तो यह जो घी संक्रांत है त्यौहार छू योला हरियाली का त्यौहार छू। और इमी फसल लगभग तैयार है जहाँ पाक बै, तो धीरे धीरे कने फसल पाकने लगे। तो यह त्यौहार मतलब यह हो कि जो इमें जो फसल है लगभग लगभग पाक बै तैयार है जाए। तो अब जब फसल पाक बै तैयार है जाए, तो आज करी इस त्यौहार में क्या करी जाए कि मतलब जैसे अपन फसल जो है पहली पहली फसल है, तो अपन इष्ट थाना में चढ़ाए जाएँ, भगवानों को चढ़ाए जाएँ फसल लगे। और मतलब और यह त्यौहार दिन बहुत सारे घ्यो लगाए जाएँ, मतलब घ्यो लगाए जाएँ और घ्यो में सग्यान पकाए जाएँ। तो घ्यो में पकाए जाएँ और यसे किस्त छू कि यदि तुम घ्यो नहीं खाला तो गनेल बन जाला, यानी गनेल मतलब घोंगा। तो यह पिछाड़ी तथ्य यह खाल कहावत छू, और कहावत है पिछाड़ी मैं हिसाब ली दिया कहावत किले हनेल, क्योंकि कहावत और साइंस दी तो बहुत अलग अलग बात ना गए। तो मैं हिसाब यह पिछाड़े किले बनाए जाना, क्योंकि जो गनेल हो काफ़ी बेउजी इंसान टाइप इंसान लगो, मतलब ऊर्जावान नहीं होन। और यह टाइम जो यो आदत जो महन आ जाए पूरा ऊर्जावान शरीर एक मान हमारे, मतलब ये पहाड़ में ऐसा चाहिए कि मतलब ऊर्जावान रहो इंसान, क्योंकि अब काम सारे फसल पाक तैयार है गए। तो फसल हसल काटो तैयार है चढ़ जहाँ पड़ो मतलब। तो यो लीजिए वो कहावत यह बनाई गई कि लोग ऊर्जावान रहें, और तो यो लीजिए उस टाइप का कहावत बनाई गई कि घ्यो नहीं खाला तो घोंगा बन जाला या गनेल बन जाला। तो बहुत हमारे उत्तराखंड जो लो संस्कृति की जो पर्व है धीरे धीरे खत्म होते होते जाएँ। तो अब इन पर्वों को बचाना जरूरी है, क्योंकि इन पर्वों की अश्लीलता की, क्योंकि देखे आज धीरे धीरे कहना हमारे खेती बाड़ी लग खत्म होते जाए। जैसे पहली बार एक भगवानों का आज दिन फसल चढ़ाना का एक बहुत खास पर्व मानी जाती है। तो धीरे धीरे वो परंपरा लग खत्म होते हुए जाएँ, क्योंकि आप लोग फसल नहीं है तो लोग भगवान अर्पित के करेल पहले बात लह जाएँ। तो यह अपन परंपराओं को बचाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक छू। तो यो जी मैं सोचा कि ब्लॉग जरूर बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि घी संज्ञान किले मनाए जाएँ और घी संक्रांत बनाना पिछाड़ी के तथ्य छी। तो आप लोग बनी रहिए ब्लॉग में, और मैं खास कर कि अपन घी जो त्यौहारों है नहीं, तो त्यौहारों में ब्लॉग बनाना मौका मिला तो ब्लॉग, यदि छोटी शॉर्ट वीडियो बनाना मौका मिला तो शॉर्ट वीडियो आप लोगों को दिखाना माध्यम दिखाते रहो, और आप अपन लोक संस्कृति बारे में आप लोगों को बताते रहो, क्योंकि हमको यह चीज़ें बारे में बहुत जागरूक होना बहुत जरूरी छू। धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्ति और जान ला रही, क्योंकि हम लोग त्योहारों के मेले ये खत्म होते जाए। तो इन चीज़ों परंपरा को बचाए रखना बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक छू हमल जी। तो आप लोगों को हमें यदि वीडियो बढ़िया लगनी, तो आप लोग हमें वीडियो को लाइक करिया और चैनल को सब्सक्राइब करिया और मूड बढ़िया करें कमेंट करिया। गाइस, जैसे कि मैं आप लोग देखने ला नला यो मडुला पागो, और लगभग लगभग सबा चीज़ पागण भागो धीरे धीरे कने। तो यो सरकार ने बनाना मेन मतलब यही छू कि हरियाली बनी रहे और जानवर पेट ल भरो और जानवर लीजिए कोई दिक्कत नहीं हो। यो तो यो कह लीजिए घ्यो सज्ञान बनाई जाए, क्योंकि अब हरी सारी सब्जी जितना यह फसल रहे सब कटे ली, और देखना चाहिए फसल देख देख सकता आप लोग ले। तो अब हम लोग ले जानू सज्ञान खाऊँ कि लगे हमारे लिए सज्ञान बन गए और हम लोग सज्ञान खानू, तो घ्यो जरूर खाया आप लोग ले देख सकता घ्यो रखरोध के हम डबी में घ्यो ला हमला खोलूँ, और आप लोग ले घ्यो खाओ ना तो गनेल बन जाला, यानी कि ऊर्जावान इंसान का हमेशा रहन चाहें और ऊर्जावान बने रहो और वीडियो में भी देखते रहो। तथ्य और ले मगर पता चीज जैसे कि आज दिन एक दिन तथ्य और कनी एक दिक्कत था वहाँ पहाड़ में कहावत चुकी, मतलब जैसे जो आज मूर मच्छर है ना, तो ये मूर मच्छर घ्यो में डूब जानी और बहुत कम दिखने मतलब कम लागनी, मतलब कि एकदम परेशान नहीं करन। और पीछे देखने लग रहा हमारे एक डोच आमक जिम्मी बहुत कम आम आर्ची है, तो मतलब उल्ले पाक में तैयार हुआ घी सकराता है पाको यो, तो अब पाकन ला रहा हूँ धीरे धीरे। गाइस, आज ही के दिन हमारे उत्तराखंड में एक जगह पर घी संक्रांति का मेला भी लगता है, तो आप लोगों को मैं वही जीके का क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वही नेथना देवी के मंदिर में, और नेथना देवी का जो मंदिर है वो नौपड़ा में स्थित है मंदिर, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही कह सकते हैं आप लोग। तो
वहाँ पर आज घी संक्रांति का मेला लगता है और बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, पर आज शायद इस बार लॉकडाउन की वजह से या कोविड की गाइडलाइंसों की वजह से अभी लगा है, या शायद लगा होगा पर उस प्रकार से नहीं लगा होगा जो भीड़ भाड़ होती है। तो आप लोग देख जा सकते हैं नेथना देवी मंदिर में भी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों के पास ऐसी जानकारी होती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चनों में भी हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं और आज के दिन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।